कुछ इंटीजर्स का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए प्रोग्राम हो गया, आई एन और फैक्ट को डिक्लेयर किया, बाद में कोई नंबर रीड किया, एक लूप लगाया, फैक्ट इक्वल टू फैक्ट को आई से मल्टीप्लाई किया और आई और फैक्ट को प्रिंट कर दिया। करके देखें तो ये प्रोग्राम है जिसमें आई एन और फैक्ट को डिक्लेयर किया, फैक्ट को इनिशियलाइज किया, एन को रीड किया, लूप लगाया एन तक के लिए, फैक्ट को आई से मल्टीप्लाई किया और देन आई एंड फैक्ट को प्रिंट कर दिया। कंपाइल और रन करके देखें कंपाइल किया रन किया यहाँ कोई नंबर दे दिया जैसे 5, तो ये 5 तक के फैक्टोरियल प्रिंट कर देगी। 1 का फैक्टोरियल 1 है, 2 का 2 है, 3 का 6 है, 4 का 24 है, 5 का 120 है। यहाँ हम नंबर देते हैं 10, तो 10 तक के आ जाते हैं, 6 का 722, 8, 9, 10 एंड 9 एंड 10 का आ गया। हाँ, यहाँ हम यदि इनपुट में 15 देते हैं तो यहाँ पर 12 तक के फैक्टोरियल सही हैं, आगे गलत आ रहे हैं, जिसका कारण यहाँ कंप्यूटर की कितनी बिट इसमें ये काम में ले रहा है उस पर डिपेंड करता है। तो जितनी बिट काम में ले रहा है वहाँ तक 12 तक के फैक्टोरियल ही सही आएंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट प्रोग्राम, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, चक्रवर्ती ब्याज निकालना है, इसके लिए एक प्रोग्राम लिखना है। तो ये हम एक प्रोग्राम लिखते हैं जो पर ईयर के हिसाब से, पहले पर ईयर के हिसाब से निकाल रहे हैं, तो पर ईयर के हिसाब से अमाउंट और अमाउंट प्रिंसिपल एंड रेट को डिक्लेयर किया, प्रिंसिपल अमाउंट को इनिशियलाइज किया है 1000 से, रेट को 0.05 से, और बाद में ईयर पे एक लूप लगाया जो फॉर्मूला सिंपली फॉर्मूला लिख के उससे कैलकुलेट करके ईयर और अमाउंट को प्रिंट कर दिया। हम एग्जांपल देखें, तो ये प्रोग्राम है जिसको फिर से लिखा, अमाउंट कैलकुलेट की और अमाउंट एंड ईयर को प्रिंट कर दिया। कंपाइल करके देखें तो जीसीसी माइनस ओ एग्जांपल, यहाँ माइनस एलएम लगाना पड़ेगा क्योंकि मैथ लाइब्रेरी इंक्लूड कर रहे हैं, और बाद में रन कर दिया तो ये अमाउंट एंड ईयर एंड अमाउंट आ गई है। अब हम प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज चाहते हैं कि पर ईयर के हिसाब से जो कर रहे हैं उस की बजाय रेट चेंज कर देते हैं। तो पहले हमने ईयर को रेट फिक्स कर दी थी, इस बार रेट की बजाय ईयर फिक्स कर दी 5, और रेट को हमने एज ए इंटीजर इनपुट दे दिया। अब रेट हम यहाँ लिख रहे हैं वो परसेंटेज में होनी चाहिए, मतलब हमने 5 लिखा है मतलब 5% है, हम 10% तक कैलकुलेट करते हैं कि 5% रेट है पर ईयर तो क्या होगा, 10% रेट है तो क्या होगा, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पूरा कर रहे हैं। तो यहाँ फॉर्मूले में यहाँ रेट को 100 से डिवाइड करें या 0.01 से रेट को मल्टीप्लाई कर दें, ये फॉर्मूले में अकॉर्डिंगली चेंज करना पड़ेगा और वैसा वैसा रहेगा। करके देखते हैं तो ये फॉर्मूला फिर से लिख लिया, इसमें 0.01 स्टार रेट लिख दिया और बाद में रेट और अमाउंट को प्रिंट कर रहे हैं। प्रोग्राम को कंपाइल और रन करके देखें, प्रोग्राम कंपाइल हो गया है, रन करें तो ये रेट यदि 5% लगाते हैं तो हमने जो 10 इयर्स का फाइव इयर्स का चक्रवर्ती ब्याज निकला और 1276 होगा, 6 इयर्स का 5% रेट से, 6% रेट से, 7%, 8%, 9% एंड 10% रेट से इंटरेस्ट कैलकुलेट करके लिख दिया है। ट्राइंगल प्रिंटिंग प्रोग्राम, अब वो प्रोग्राम लिखने हैं जो इस तरह के ट्राइंगल प्रिंट कर दें। पहला प्रोग्राम लिखना है जो
इस तरह ट्राइंगल प्रिंट करें जिसमें पहली लाइन में एक स्टार हो, दूसरे में दो, तीसरे में तीन, चौथे में चार एंड सो ऑन। तो सिंपली एक लूप लगाया आई इक्वल टू जीरो टू एन, दूसरा लूप जे इक्वल टू जीरो टू जे लेस देन आई तक लगा दिया, मतलब आई की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, जो लाइन नंबर है उतने ही स्टार प्रिंट होंगे, और ये प्रोग्राम लिख दिया। दूसरे में शुरुआत में ज़्यादा स्टार लिखने हैं, बाद में कम, तो उसमें हम लूप है दूसरा लूप या तो एन माइनस आई तक लिखें या जे दूसरे अंदर वाला लूप जे इक्वल टू आई से स्टार्ट कर दें। आई की वैल्यू कम है, जे लेस देन एन चलेगा, तो इनिशियली एन की वैल्यू कितनी उतना चलेगा, बाद में आई की वैल्यू ज्यों ज्यों बढ़ती जाएगी त्यों त्यों इसमें नंबर ऑफ स्टार्स कम प्रिंट होते जाएंगे। नेक्स्ट है पीछे वाला ही ट्राइंगल प्रिंट करना है, लेकिन इसमें पहले स्पेस आने चाहिए उसके बाद में स्टार प्रिंट होने चाहिए। तो इसमें हम जो दूसरा लूप है उसको उसमें पहले एक स्पेस प्रिंट करने के लिए प्रोग्राम लिखेंगे, जो सिंपली जितनी आई की वैल्यू उतने स्पेस प्रिंट करे, उसके बाद में स्टार प्रिंट करे। नेक्स्ट में स्टार जितने लाइन नंबर के अनुसार आने चाहिए, लेकिन पहले स्पेस आने चाहिए, तो उसमें पहले स्पेस के लिए जितने एन माइनस आई की वैल्यू उतने स्पेस प्रिंट किए, और उसके बाद में स्टार प्रिंट करने के लिए प्रोग्राम लिख दिया। पूरा प्रोग्राम देखें तो ये प्रोग्राम है जिसमें पहले फर्स्ट ट्राइंगल प्रिंट करने के लिए एक लूप स्टार्ट किया, उसमें दूसरा लूप जे लेस देन इक्वल टू आई तक के लिए किया, स्टार प्रिंट किए और न्यू लाइन। बाद में नेक्स्ट सेकंड ट्राइंगल के लिए, तो सेकंड ट्राइंगल के लिए एक लूप स्टार्ट किया, दूसरा लूप लिया जो आई इक्वल टू जे इक्वल टू आई से स्टार्ट होके जे लेस देन एन तक जा रहा है, और स्टार प्रिंट कर दिया। तीसरे ट्राइंगल के लिए एक लूप लिया आई इक्वल टू जीरो से स्टार्ट किया, आई लेस देन एन, दूसरा जे इक्वल टू जीरो से जे लेस देन आई तक, और वो स्पेस प्रिंट करता है। उसके बाद में नेक्स्ट उसी में जे इक्वल टू आई से जे लेस देन एन तक के लिए स्टार प्रिंट करने का लूप लिया। उसके बाद में नेक्स्ट चौथा फोर्थ ट्राइंगल के लिए, तो यहाँ पर स्पेस आई प्लस वन से एन तक प्रिंट हो रहे हैं और स्टार प्रिंट हो रहे हैं। कंपाइल और रन करके देखते हैं। कंपाइल हो रहा है, रन, ट्राइंगल साइज देते हैं 4, तो यहाँ ये 4 प्रिंट हो गए हैं, ट्राइंगल्स प्रिंट हो रहे हैं कॉरस्पॉन्डिंगली। हम इसको फिर से रन करते हैं और इनपुट में दे देते हैं 10, तो हमें 10 साइज के ट्राइंगल मिल रहे हैं, पहला ट्राइंगल, दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल, तीसरा राइट एंगल ट्राइंगल, और ये चौथा राइट एंगल ट्राइंगल। बार चार्ट प्रिंटिंग प्रोग्राम, बार चार्ट को प्रिंट करना है। बार चार्ट क्या होता है? तो ये बार चार्ट होता है, एक स्केमेटिक डायग्राम दिया है जिसमें जैसे दो तरह के बार चार्ट दिए हैं, ब्लू एंड रेड, जो दिखा रहे हैं कि कोई वैल्यू यहाँ एक्स एक्सिस पे वैल्यूज हैं 1, 2, 3, 4, 100 तक, और वाई एक्सिस पे T1, T2, T3, T4 इस तरह से कुछ स्कोरिंग कर रहे हैं। तो जैसे फर्स्ट इनिंग में टीम वन में ने 24 का स्कोर किया, तो 24 एक्स एक्सिस में 24 तक एक बार आ गई है। सेकंड इनिंग में उसी टीम ने पीरियड टू में 85 का स्कोर किया, तो 85 तक एक रेड बार आ गई। इसी तरह से टीम टू ने फर्स्ट इनिंग में 35 का स्कोर किया, तो 35 तक ब्लू लाइन आ गई है। और टीम टू ने सेकंड इनिंग में या पीरियड टू में 24 का स्कोर किया, तो 24 तक रेड बार आ गई है। इसी तरह से
बार बनाते हैं जिसमें वाई एक्सिस पे हमने जो भी टीम ली है उसका नाम लिखते हैं, और उसने जितना उसने स्कोर किया उतना ही आगे बार बना देते हैं, उतना बड़ा। प्रोग्राम में हम ये काम करने के लिए स्टार या पाइपलाइन काम में लेके बनाएंगे। तो किस तरह से बनाएं, तो हम कुछ नंबर रीड करते हैं उतने स्टार प्रिंट कर देते हैं। हम एक लूप लगाते हैं, जैसे 5 बार्स का बना रहे हैं, 5 टीम्स के लिए बना रहे हैं, तो i=2 0 से i<5> तक के लिए एक लूप लिखा, जिसमें किसी वेरिएबल n को रीड कर रहे हैं, वो वेरिएबल प्रिंट कर रहे हैं, और आगे एक लूप में जो वेरिएबल रीड किया उतनी बार स्टार प्रिंट कर रहे हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, ये वो ही प्रोग्राम है जो हम देख रहे थे। एक लूप लिया i<5> के लिए, एन को रीड किया, बाद में एन की वैल्यू प्रिंट की, दूसरा लूप स्टार्ट किया, जितनी एन की वैल्यू उतने स्टार प्रिंट किए और न्यू लाइन में चले गए। कंपाइल करके देखें तो gcc-o कंपाइल हो गया। 1 से 30 तक के इंटीजर्स, तो जैसे हमने वैल्यूज दे दी 10, 20, 30, 5 एंड 5। तो फर्स्ट रो में 10 स्टार्स प्रिंट हो गए, सेकंड में 20, थर्ड में 30, फोर्थ एंड फिफ्थ में 5 एंड 5। हम दोबारा रन करके देखें, यहाँ हम वैल्यूज दे देते हैं 10, 20, 30, 20, 10, तो उस तरह से जो वैल्यूज दिए उतने स्टार्स प्रिंट हो गए हैं।